फ्रेश टॉपिक क्या है, ईमेल एटिकेट्स। जब आप मेल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो उस टाइम पे किन बातों का ख्याल रखना है? जनरल बातें, क्या लिखा है? मैनर, माइंड योर मैनर, मतलब रिस्पेक्ट के साथ आपको मेल करना है। लिखा होना चाहिए अच्छे से। एड्रेस, पीपल यू डोंट नो, जिसके बारे में नहीं जानते, तो भैया उसको मिस्टर, मिसेस या फिर डॉक्टर के नाम से लिखो। वॉच करो योर टोन, लिखते वक्त चीजों का ख्याल रखो, मतलब प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट आपको लिखना है। बी कॉन्साइज बोले तो एग्जैक्ट, ठीक है। बी प्रोफेशनल, क्यों बी प्रोफेशनल बोला? एब्रिविएशन यूज मत करो। और क्या, मुझे स्माइल बना के दे रहे हैं सब, भैया प्रोफेशनल ऑफिशियल काम कर रहे हो। यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर, जनरल बातें लिखी है। वेट टू फिल, ये क्या लिखा है टू? अक्सर आपने कभी मेल भेजा है और टू में पहले ही लिख दिया है और आपका आधा मेल चला गया। फॉर एग्जाम्पल टू, टू में क्या लिखते हो? ईमेल एड्रेस लिखते हो, यही होता है ना, और बाकी मेल कंप्लीट करना है। अगर आपका गलती से सेंड बटन चला गया, क्लिक हो गया, तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट मेल सेंड हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर बोला जाता है कि सारी फॉर्मेलिटीज कर लो, टू खाली रखो जब तक पूरे काम ना हो जाए, क्योंकि गलती से अगर सेंड बटन दबता है तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भैया एड्रेस में लिखो तो किसको भेजना है। अगर भेज दिया तो गया, यहां से सेंड कर दिया अगर आपने, तो वहां पहुंच गए ना। अब यहां डिलीट करके क्या, इट इज जस्ट लाइक जैसे व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप में क्या होता है, सीन होने के बाद कर सकता है क्या? बस मेल में बोला भैया सीन हो या ना हो, आपके यहाँ से गया ना, तो गया, अब आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे सीन होने के बाद तुम अपने में कर सकते हो, सामने वाले में जाकर कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा भेज दिया आपने, खत्म, अब ये उसके ऊपर, ठीक। तो उन्होंने बोल दिया टू वाला जो ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस, वो सबसे लास्ट में भरना चाहिए, क्योंकि गलती से भी सेंड बटन जाए तो भी ये सेंड ना हो, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा मेल के फायदे भी और नुकसान भी है, ईमेल के फायदे भी और नुकसान भी। चलो फटाफट फायदे, पहले क्या लिखा है, मैनेज कर सकते हो इजीली। फिर क्या लिखा है, फास्ट है ना, इनएक्सपेंसिव है। आज की डेट में मेल के लिए तो पैसा लगता ही नहीं है। पहले अगर हिस्ट्री अगर आपको याद हो, तो अभी मैंने हिस्ट्री जब बताई थी तो चार्जेस लगते थे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिल्टर लगा सकते हो कि भाई कंपनी वाले मैसेज ना दिखे, स्पैम वाले ने दिखाए, ऑफर वाले ने दिखाए, ट्रांजेक्शन वाले ने दिखाए, रेलवे वाले ने दिखाए, तो आप चाहो तो अपना फिल्टर लगा के अपने खुद के जो मेल इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन क्या लिखा है, ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। सिक्योर एंड रिलायबल, इसका पासवर्ड बस आपके पास ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो जनरल रूल है, एक्सेप्शन क्या है, हैक तो हो जाते हैं ना। चलिए, तो एडवांटेज में ये लिखा है, इजी, फास्ट, भैया खर्चा कम, फिल्टर लगा सकते हो, रिलायबल है, सिक्योर है। सेम वही बातें, अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हेडिंग हेडिंग से समझ लो। इन्होंने कहा नुकसान भी है, आइए सबसे पहला नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। क्यों भाई, फ्रेम करोगे, सोचोगे, सही नहीं लगेगा तो उसको मिटाओगे, फिर दोबारा से टाइप करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग। रिटर्न जहां आएगा तो समझ जाना टाइम कंज्यूमिंग कंपैरिजन टू ओरल, ठीक है। सिक्योरिटी की बात होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजिली शेयर, आपने तो इंटरनेट को दे दिया ना, जो भी इंफॉर्मेशन आज की डेट में आपके सिस्टम में है, आपके मोबाइल में है, इंटरनेट के थ्रू जा रही, तो ऑब्वियसली बच्चा ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास भी तो चली गई। कुछ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप से मैं आपको कोई पिक्चर सेंड करना चाहती हूँ, कोई गाना शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी बात आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चैट लिखा है, दैट मीन्स कोई तीसरा भी है, तुम्हारे मेरे अलावा कोई तीसरा भी है। कौन? वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला, इंटरनेट सर्विस है ना, तो इंटरमीडियरी वो भी है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने बोल दिया इजिली शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ईमेल इज एक्सीडेंटली डिलीवरेड, ठीक है, डैमेज होने। नेक्स्ट क्या लिखा है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ईमेल रिसिपिएंट के नॉट सी वन अनदर, नॉट हैव एनी वॉइस इन्फेक्शन एंड इमोशन। भाई कैसे बात हो रही है, रिटर्न में हो रही है, फोन पे किसी से हो रही है, कोई इमोशनल टच है क्या, किसी की वॉइस सुनने को मिल रही है? तो ये एक तरीके से इम्पर्सनल, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती है, फॉर्मल है, पर्सनल कम्युनिकेशन तो वैसे ही नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ा आपने और क्या पता गलत समझ लिया, ठीक है, शायद हम बात करते तो बात करके हम ज्यादा बेटर समझा पाते, लिखने में ईमेल में शायद उतनी उतनी क्लैरिटी ना आए, जैसे कि एब्रिविएशन यूज हो जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और गलत लोग इसे समझ लेते। हम क्या पढ़ रहे, नुकसान ईमेल एड्रेस के, सॉरी ईमेल के क्या पढ़ रहे, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट लिखा है वल्नरेबिलिटी, मतलब क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक। वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपसे पूछ रही हूँ,
क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी में? अगर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बिना उसके तो काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी विच कैन बी डिस्टर्ब एंड डिसकनेक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन। देखो, हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। भाई, नुकसान ये है कि कॉन्फिडेंशियल तो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, नॉट रिप्लेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन। देखो, फेस टू फेस अलग है और ये अलग है। कैन नॉट रिलाई इमरजेंसी मैसेजेस। मैंने मेल किया, ठीक है, फोन करके इमरजेंसी वाली बातें बोली जा सकती है, लेकिन अगर मेल किया, हर कोई तो मेल खोल नहीं रहे, हर 2-3 मिनट में थोड़ा ना मेल खुलते रहते हैं, लेकिन अगर फोन आया तो फोन पिक कर लेते। मेल अब 1 घंटे बाद देखोगे, 2 घंटे बाद, क्या इमरजेंसी वाली बातें मेल में कर पाओगे क्या, इंटरनेट में कर पाओगे क्या? नहीं। तो प्लीज इमरजेंसी में तो बिल्कुल यूज मत करना। ईमेल डिपेंड ऑन तो पूरी पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक। जनरल बातें, यहाँ से आ जाओ इंपॉर्टेंट फ्रेश टॉपिक। आपकी बुक में ऐसा हेडिंग दिखेगी, इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटर मतलब क्या होता है? इंटर दो बिटवीन होता है, इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है। अब यहां पे आपकी हेडिंग क्या है? इंट्रानेट है। इंट्रा मतलब क्या बताया था? विद इन। इंटर मतलब क्या होता है? विद इन। वर्ड का मतलब याद रखना। इंट्रानेट मतलब कि अंदर के नेट की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट पढ़ते हो ना, ये आउटसाइड हो जाएगा। इंटरनेट नेटवर्क्स, इंटरनेट बाहर, बिटवीन आउटसाइड, इंटरनेट मतलब विद इन। चलो, अब कॉन्सेप्ट समझे, आ जाइए। इंटरनेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इंटरनेट मतलब पूरी दुनिया में, आउटसाइड है ना, तो इंटरनेट जो आप यूज करते हो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट कौन यूज करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्यों यूज करती है? क्योंकि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन है ना, वो तो भैया हो गई, पब्लिकली अवेलेबल हो गई, जो कुछ भी आपने इंटरनेट में डाल रखा है। इवन आप नेट बैंकिंग भी करते हो ना, नेट बैंकिंग करते हो, जीपे यूपीआई से पेमेंट करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन है उस कंपनी के पास। आपको बस अपना फोन नंबर डालना है, वो खुद बैंक अकाउंट का पूरी डिटेलिंग ले आती है उसमें। आप पासवर्ड डाल रहे हो, लेकिन क्या जिस ऐप को आप यूज कर रहे हो उस ऐप के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है? आप कह रहे हो आप जीपे यूज करो, क्या गूगल के पास तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है? सब पता है उनको, बस निकाल नहीं रहे, ठीक है। जिसे निकालने में आगे तो क्या कर लेगी हमारी सरकार, गवर्नमेंट के साथ टाइप है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर निकाल लिया तो बस क्या, बैन कर दिया जाएगा फिर, यहाँ कहीं और करो बिजनेस, ठीक है। चलो, तो इंट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट, इन दोनों के बीच में होता है एक एक्सट्रानेट, ठीक है। इन दोनों बीच में क्या होता है? एक्सट्रानेट। चलिए समझते। इंटरनेट क्रिएट द कनेक्शन इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है, समझ लो मैं आईटेक से बात करूँ, आईटेक के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि यहीं तक इन्फॉर्मेशन रहेगी। हमें अपने एम्प्लॉय से बात करनी है, उन्हें हमसे बात करनी है, तो हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जो कनेक्शन होंगे। इंटरनेट क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। अब बीच में एक आता है एक्स्ट्रानेट, क्रिएट द कनेक्शन बियॉन्ड। इन्होंने कहा है ये एक पार्शियल होता है, बियॉन्ड क्या लिखा है, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा फ्री टाइप का होता है, ये अंदर के लिए भी होता है और बच्चा बाहर के लिए भी होता है। अब बाहर के लिए क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा आईटेक्स का ऐप, हमारा जो आईटेक्स का ऐप है, इसमें क्या बस हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, बाहर के भी कर सकते हैं। हमने YouTube में डाल रखा है, YouTube से कोई भी हमारे आईटेक्स ऐप में आ सकता है। तो ये पार्शियल है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे अंदर के लोगों को पूरी दिखेगी, लेकिन बाहर के लोग भी इसमें आकर कुछ कर सकते हैं। एक होता है एकदम ओपन, प्ले स्टोर से, ठीक है, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो वो सब क्या है, एकदम पब्लिकली अवेलेबल है। जो पब्लिकली अवेलेबल है वो किसमें होता है? इंटरनेट में, ठीक है। जो बस अंदर के ही लोग कर सकते हैं वो इंट्रा, और जो 50-50 होता है, अंदर के लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाहर के लोग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट वाज एक्स्ट्रानेट। कि तीन कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो तीन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इंटरनेट, इंटरनेट की बात हो रही है, जो वर्ल्ड लेवल में जो इंटरनेट आप यूज करते हो, ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टू। इंटरनेट में तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है ना, आज जिसके बारे में जानना जानो यूट्यूब में जाके चले जाओ, जिसके बारे में जानना जानो दैट वॉज इंटरनेट। इंटरनेट प्राइवेट ओनली नेटवर्क ओनली एसेस टू मेंबर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कह रहे हैं? बस अंदर के ही एम्प्लॉइज देंगे। और एक्स्ट्रा नेट क्या बोल रहा है?
50-50 इंटरनेट दैट इज पार्शियली एक्सेसिबल टू दी पीपल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तीनों में का कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया पक्का? चलिए अब यहाँ पर वही सब लिखा है। इंट्रा मतलब, इंट्रा मतलब विद इन, या फिर क्या बोलोगे इंटरनल। तो यहाँ पे लिखा है इट इज लाइक द इंटरनेट एक्सेप्ट द कनेक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटरनेट को फिर डिटेल में उन्होंने यहाँ पे बताया। तो चलो फटाफट डिफरेंस बिटवीन देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? इंटरनेट दिख रहा है। इंटरनेट में क्या लिखा है? लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स है। इसमें कंपैरिजन क्या होंगे? लिमिटेड, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है। इसमें क्या बोल दिया है? वाइड एरिया होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे छोटा होगा लिमिटेड। ये पब्लिक लिए है, ये बस मेंबर्स के लिए, ये जनरल है, ये प्रोप्राइटर अंदर के लोगों के लिए। इसकी स्पीड ज्यादा स्लो होगी, इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट, क्योंकि कम लोग है। जहां ज्यादा लोग स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। खर्चा ज्यादा इसमें होगा, ये इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ये मॉडरेट है और ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कौन होगा? इंट्रा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, उन्होंने लगाया ही इंट्रानेट इसीलिए ताकि वो कॉन्फिडेंशियल रह सके। नहीं रह पाएंगे तो भाई अच्छा इंटरनेट ही यूज कर लेते। क्लियर है पक्का? चलिए फाइनली उन्होंने क्या बताया है, किसके किसके बेनिफिट्स है? खुद सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई इंटरनेट चल रहा है तो उसके क्या फायदे? फायदा नंबर वन, प्रोडक्टिवली काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम सबके एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिस्टम सबके एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो मैं काम कर रही हूँ वो उन्हें भी दिख रहा है, तो बार बार एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो जो वर्क फोर्स है वो कम टाइम पे ज्यादा काम कर पाएंगे, हर चीज के लिए पूछने उछने जाना पड़ेगा तो भाई दिक्कत होगी। तो वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी, टाइम बचेगा, कम्युनिकेशन बेटर हो पाएंगे, फास्टर था ना। क्या लिखा है? वेब पब्लिशिंग हो पाएगी। यहाँ मैंने जो पब्लिक किया सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को एक बार में सब दिख गया, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट बेटर हो पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है। ज्यादा सस्ता क्या था? इंटरनेट की इंट्रा, अभी हम इंट्रा पढ़ रहे, ठीक है। एनहेंस कोलैबोरेशन, प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्ट में काम कर पाएंगे। इमीडिएट अपडेट्स मिल पाएंगे, यहाँ अपडेट किया सारे एम्प्लॉयज को तुरंत पहुंच गया। सपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पे सारे के सारे लोगों को हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। तो यही चीज उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट में डिटेल में बता दिए, ठीक है। ये देखो टाइम, ठीक है, एक बार बस वन रीड करना, दैट्स इट। देखो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। आज मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक किसी फॉरेनर से अप्रोच करना है, कर सकती हूँ, तुरंत कर पाऊंगी। ये छोटे लेवल का नेटवर्क है इंट्रा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को ही कर पाऊंगी अप्रोच, ये एक अलग लेवल है। तो इंटरनेट बड़ा है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, अंदर आएगा। ये हो गया इंटरनेट, ये क्या हो गया? इंटरनेट। और इसका एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया? इंट्रानेट। ये नेटवर्क कहाँ अवेलेबल है? ओनली टू सम मेंबर्स, सम एम्प्लॉयज इन अ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, ठीक है। इंटरनेट से रहेगा, लेकिन ये नेटवर्किंग क्या है, ये बस यहीं पे जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो पर्पस क्या है इसका, इंटरनेट लगाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है इंटरनल कम्युनिकेशन हो सके और कॉन्फिडेंशियल मैनर में। तो पर्पस है इंटरनेट का इंटरनल कम्युनिकेशन, फैसिलिटी वर्किंग इन अ ग्रुप, ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो पाए, ऑल्सो बींग यूज कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। इंटरनेट इज मेड एक्सेसिबल टू कस्टमर। अब जब कस्टमर के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रानेट। इंटरनल इंफॉर्मेशन इंटरनल नेटवर्क में रहती है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ दे रहे हैं? कस्टमर को, मैंने कहा था ना आधा है। इसमें मेन तो सारी इंफॉर्मेशन जिसको देखेगी अंदर के लोगों, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर हमने पब्लिकली अवेलेबल कर दी, दैट वॉज इन एक्स्ट्रानेट। और पूरी पब्लिकली अवेलेबल है, दैट वॉज इंटरनेट। तो एक्स्ट्रानेट क्या है? अदर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को भी अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अलाउ करते हो, दैट वॉज एक्स्ट्रानेट। क्लियर है पक्का? पक्का डिफरेंस बिटवीन सेम वही दे रखे हैं जो मैंने एक बार फटाफट रीड कर लिया। एक्स्ट्रानेट समझ में आ गया? तो ये उन्होंने लिखा है कंपनीज कैन यूज एक्स्ट्रानेट। कंपनी एक्स्ट्रानेट यूज करती है, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन उनके पास होते हैं इंटरनल, और कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आउटसाइडर को देती है। एक्सचेंज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, EDI फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का यूज करती है। शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग्स देते हैं, टीम अप विद द अदर कंपनीज के साथ दिखता है जो भी। जॉइंटली डेवलप यूज ट्रेनिंग, प्रोवाइड एसेस सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। शेयर न्यूज कॉमन इंटरेस्ट की,
जो बाहर शेयर होल्डर, सॉरी अदर पब्लिक को भी पता होना चाहिए। सीधा उन्होंने इंटरनेट और एक्सटरनेट में डिफरेंस दिया। पहले मुझे बताओ, खुद से बना सकते हो डिफरेंस बिटवीन? बताओ क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सटरनेट? छोटा होता है। इंटरनेट इज अ टूल शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा अंदर। और ये क्या बोल रहा है, टूल शेयरिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और बताओ, कॉन्फिडेंशियल ज्यादा किसमें होगा? इंट्रा में, ठीक है। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या बोल दिया, आइदर सिंगल और मैनी ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड थ्रू दी फायरवॉल, ये क्या बोल रहा है भैया, इसमें एक फायरवॉल बना के रखे, दैट मीन्स ज्यादा सिक्योरिटी है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। इंटरनेट मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या बोल दिया, मैनी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं है, सारे डिफरेंस बिटवीन घिसी पिटी सेम बातें बोल रहे हैं क्या? इंटरनेट अंदर, कॉन्फिडेंशियल ज्यादा सिक्योर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक है, उसका ऑपोजिट बन जाएगा क्या, यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है ओवर।